आज मंगलवार ही 3 सितंबर सन 2024 ईस्वी 28 सपरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी श्रीनगर से पेश की जा रही है आज की सुर्खियां। आज की सुर्खियां सुनने वाले सभी सामाइन को जान मोहम्मद का सलाम कबूल हो। जनूबी कश्मीर में तेज आंधी, मूसलाधार बारिशें और शदीद जलबारी। बनिहाल में बादल फटे, कटरा में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिर आए, 3 अफराद लुकमे अजल, 1 जख्मी। कुलगाम और शोपिया में मौसम का जारहाना रुख, मेवा बागात में तबाही, अमला को नुकसान। आज मजीद बारिशों का इम्कान, 4 और 5 सितंबर को मौसम खुश्क रहेगा, पसिया गिर आने का शाखसाना। श्रीनगर लह शहर पर ट्रैफिक मुअत्तल। जम्मू के संजवा आर्मी कैंप के नजदीक फायरिंग, फौजी एहलकार अजजां, मामले की तहकीकात शुरू। एसपी साउथ, फायरिंग का वाकया मिलिटेंट हमला नहीं, तहकीकात शुरू की गई है फौज। ठेकेदार ने अलर्ट शुदा काम के तहत सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं की, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी डिवीजन लंगेट की जानिब से मुतल्लिका ठेकेदार के नाम हतमी नोटिस जारी। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों की जानिब से रेड फ्लैग का गलत इस्तेमाल, जीएम शाहीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अदालत उजमा से फौरी मुदाखलत की अपील की। जम्मू कश्मीर अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन, 370 मनसूखी के बाद मजबूत तब्दीलियां रोनमा। यूटी को 3 खानदानों से आजादी मिली, बीजेपी यकीनी तौर पर हुकूमत बनाएगी, वजीर दाखला अमित शाह। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी उड़ी में मुतहरिक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुतहिद अवामी वफूद की अपनी पार्टी के सरबरस से मुलाकात, मकामी मसाइल और शिकायत की जानकारी फराहम। नेशनल कॉन्फ्रेंस मंशूर को घर घर खुसूसन नौजवानों के पास ले जाना, पार्टी से वाबस्ता हर फर्द की जिम्मेदारी, डॉक्टर फारूक। साबिक हुर्रियत लीडर का इलेक्शन में हिस्सा लेना खुश आइंद, इनका जमहूरियत में भरोसा बहाल होना हमारे लिए कामयाबी, उमर अब्दुल्ला। हम इक्तदार में रहने वालों का जुल्म सहने के बाद यहां पहुंचे हैं, मुल्क में नया सियासी कल्चर लाने की पूरी कोशिश की मोदी। वजीर अजम की सदारत में मुनक्कद काबीना मीटिंग में कई अहम फैसले, 309 किलोमीटर तवील नए रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी। वादी कश्मीर में मौजी बीमारियों में इजाफे के बीच अतियात जमा करने का सिलसिला जारी, मोहताजों और बेसहारों की इमदाद के नाम पर इश्तिहारात अखबारात में शाया और सोशल मीडिया पर वायरल होना मामूल। इमदाद किसकी करें, इस बारे में हकायक जानने के लिए बारीक बीनी से तहकीकात करना नागुजीर। खराब रोशनी के 22 चौथे रोज का खेल खत्म, बांग्लादेश को जीत के लिए 143 रन दरकार। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम 172 रन पर देर हो गई। आप समाप्त कर रहे थे आज की सुर्खियां, दीजिए अपने मेजबान जान मोहम्मद को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।